तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर, अब प्योर इंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट इंडक्टर में क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि ओनली इंडक्टर में करंट पीछे होता है और ईएमएफ आगे होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉमन निकलेगा, तो साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी क्या होता है, कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ये आपका करंट आ गया, ईएमएफ आ गई, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, डी डब्ल्यू बाई डी टी ई इंटू आई, ई की जगह आई की जगह मल्टीप्लाई, और यहाँ से डी टी राइट, तो ये टर्म आ गई। इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके टी तक, माइनस ई नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट है। अब ये मैथ्स का रूल है, मेडिकल के लोग समझ लें, एक साइन है एक कॉस है, इसको टू से मल्टीप्लाई एंड टू से डिवाइड, ये देखो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसा क्यों, क्योंकि मैथ्स में टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ टू थीटा, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे नहीं इंटीग्रेशन करना, क्रॉस कर लेना, क्योंकि साइन ऑफ एनी एंगल जीरो से टी आंसर हमेशा क्या देगा, जीरो बताया था, तो सीधा आंसर लिख देना इसमें जीरो। तो एवरेज पावर की वैल्यू क्या आएगी, जीरो इंडक्टर में। जैसे एवरेज करंट पूरे कंप्लीट साइकिल का जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि करंट जीरो होता है, हमने टाइम पीरियड कंप्लीट लिया, आधी आधी वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं, ऐसी एवरेज पावर भी, एवरेज वैल्यू क्या देगी ओनली इंडक्टर में, जीरो। ठीक है यहाँ तक।